बिल्कुल वाज़ह करना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है पाकिस्तान है, हमने अपने मुल्क का सोचना है, अपने पाकिस्तान का सोचना है। और यहाँ इस वक्त जो खान साहब ने जो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो आपके और हम सबके चहेते हैं। हाँ जी, आपने सही समझा, आज हम इमरान खान के बारे में रिएक्ट करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगी कि बीइंग एन इंडियन आई डोंट लाइक इमरान खान और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मैंने इनकी इतनी वीडियो, मतलब इतनी सारी तो नहीं, पर हाँ 3-4 वीडियोज देख लिया है जहाँ पे उनकी मुझे लाइफ स्टोरी पता चल गई है और भी काफी चीजें, बेसिकली उनका स्ट्रगल पता चला है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। तो इस बेसिस से मैं ये तो बोल सकती हूँ कि इमरान खान लिटरली लोगों को बहुत प्यारे हैं और उनका एक एक ना इमोशनली कनेक्शन है अपनी लोगों के साथ, तभी उनको इतना प्यार करते हैं। और आज हम बेसिकली देखने वाले ट्रिब्यूट टू इमरान खान, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। या सेम हियर, जो जो वंशिका ने बोला इमरान खान के लिए, मेरे भी समय ले कॉपी पेस्ट मार के मैं कर देती हूँ। तो मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में इमरान खान की लंबी लंबी स्टोरीज मैं आपको और सुनाऊंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, स्टार्ट। आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान की आवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुलाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। विमान की कार्रवाई Yay. He's forced to be enslaved. He'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. खुद मुख्तारी और खुददारी की जो हमारी जरूरत है कि हम अपने मुल्क की खुददारी के लिए खड़े हों, सबको जो है ना खड़ा होना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, आवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। मैं आज ये फैसला करता हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्या बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब, चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस सी न था जुजखार कुछ बाकी, बता था बाग मारो रो यहाँ गुंजा यहाँ गुल था यहाँ गुंजा यहाँ गुल था। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने सम्राट के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल वाज़ह करना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है पाकिस्तान है, हमने अपने मुल्क का सोचना है, अपने पाकिस्तान का सोचना है। और यहाँ इस वक्त जो खान साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो इस मुल्क की खुददारी, चलते हैं दबे पांव कि कोई जात न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात में यकजा, उस कौम का ओए हाय हाय क्या बात है। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए, लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूँ आपका मुस्तकबिल इमरान खान। मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। मैं तो हमेशा, मैं तो, मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से था नहीं, मैंने तो शुरू की अवाम के अंदर निकल के। 14 साल मजाक उड़ता रहा, थोड़े से लोग थे मेरे साथ और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं,
पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला, मेरी जिंदगी स्ट्रगल है। किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके आखिर में कामयाब होना। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ, मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल इमोशनल कर दिया मुझे तो। जो तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आजाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इया कनाबदो वइया कनस्ताइन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूंगा, मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा कि किसी किस्म की इंपोर्टेड गवर्नमेंट इसके ऊपर, इस मुल्क के ऊपर मसलत की जाए। मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज हो गया, तो उन्हें समझाया, हम कोई ना समझ, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो उन्हें हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोक हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिस्के हलाल का कहा, हमारे ताजर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत, जो मर गए हैं उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमा, और हम जो हम बाकी हैं हम सब की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा, इसको सच्चाई से मुनव्वर फरमा, इसको या अल्लाह दयानतदारी से खूबसूरत बना, इसे हया और पाक दामनी के साथ गुलशन बना, इसे रिस्क हलाल के साथ जन्नत का रास्ता बना, और जो हमारे चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह उम्मत के हर तबके को मेरे मौला, हर तबके को मेरे आका अपनी नज़र मोहब्बत अता फरमा और नज़र गज़ब को हमसे वापस ले ले। वसल्लल्लाह, और जितने मरीज़ बन चुके हैं उनको शिफा अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा। वसल्लल्लाह, और जिन लोगों ने अभी पैसे दिए हैं उन सबको अपने ख़जानों से जज़ा खैर अता फरमा। और जितने शुरकाए मजलिस थे, वज़ीर आज़म समेत जितने भी शुरकाए मजलिस ने इसमें एहसास प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इन सब को, इनकी औलादों को दुनिया और आखरत की हर खैर नसीब फरमा, हर शर से बचा। वसल्लल्लाहु तआला अल नबी अल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सदके याद ये होती है वीडियो जो कि मैं देखने के लिए तरस गई थी। मुझे इस तरह की वीडियोस पे रोज़ बिठा दिया करो, मैं रोज़ रिएक्शन पे रिएक्शन करूँ जिसमें इमरान खान की तारीफ़ें हों, इमरान खान को ट्रिब्यूट दिया जा रहा हो। और ये वीडियो कसम से यार मुझे इसने इमोशनल कर दी, मेरे आंखों में लिटरली आंसू आ गए जब इमरान खान जो है वो हमसे खिताब कर रहे थे, वो बता रहे थे कि यार हमें ये कंट्री कैसे मिला, किस स्ट्रगल से मिला, और इसके पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह थी, या का नाबुदो या का नस्ताइन के नारे थे, तब जाके हमें ये मुल्क मिला है। और हम लोग क्यों किसी की गुलामी करें, हम लोग क्यों किसी के आगे दुम हिलाएं, यूं हम लोग एक आज़ाद कौम है और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीनी है, क्योंकि हमें एक अलग कंट्री मिल चुका है। इसका मतलब है कि हम लोग इसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कभी हम किसी अमेरिका की या किसी भी कंट्री की हम लोग गुलामी नहीं करेंगे। तो बस इमरान खान की यही गलती है ना कि उसने लोगों को जो है अवेयरनेस दी है। एक आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे को, वंश का तुम दो दो साल के बच्चे को बुलाओ के पूछो कि ना इमरान खान कौन है या हमारे ये इलेक्शंस वगैरह क्यों होते हैं, तो वो तुम्हें छोटे छोटे बच्चे बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। इतनी अवेयरनेस आ गई है कि बच्चों को भी पता है कि हमारे कंट्री में क्या, हालांकि ये पहले ऐसा कोई सीन नहीं होता था,
पहले जो था मतलब के कहाँ किसी किसी को बड़ों बड़ों को पता था जो मतलब घर में बड़े होते थे कि हमारे कंट्री में आजकल पॉलिटिक्स में ये हो रहा है ये, और आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है। और ये क्या है, ये अवेयरनेस है जो कि हमें इमरान खान ने दी है। और आजकल पवन जी का जो इमरान खान ने ये लाइन बोली थी ना, क्या हम कोई गुलाम है जो तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये वाली जो लाइन है ना, वो आजकल यहाँ पे हजारों जो गाड़ियों के ऊपर जो मतलब कि रोड्स पे अगर हम जाते हैं ना, तो देखते हैं हर गाड़ी के ऊपर तकरीबन लिखा होता है, यही लाइन लिखी होती है, एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम है। तो ये चीज़ इनकी इतनी ज़्यादा जो है फेमस हुई है, लोगों ने इतना इसको लाइक की है क्योंकि इनका इन्होंने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये इस ट्रिब्यूट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये डिज़र्व करते हैं, इस तरह की ट्रिब्यूट डिज़र्व करते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं, इज्जत डिज़र्व करते हैं। तो बस ये था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस इमरान खान वापस आ जाए, बस आई विश। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो इमरान खान वापस आए तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और आप सपोर्ट करते हो उनको कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। तो अगर मैं वीडियो की बात करूं तो सीरियसली मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई इंसान अच्छा है, ठीक है, तो ये नहीं देखना चाहिए कि आपका वो दुश्मनी मुल्क है या आपका जिसके साथ आपकी दोस्ती है वो मुल्क है। नहीं, जो इंसान मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान और भारत है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इनका दुश्मनी है। बाकी अगर हम आवाम की बात करें तो हम सब यही बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और क्यों ना करें भाई, एक साथ रहे भी तो इतना टाइम है। हाँ। और रही बात अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान अपने में ही कहते हैं ना एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि इंडिया के यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी है। उन्होंने जैसे कहा कि 22 साल स्ट्रगल किया, लाइक लिटरली कोई 22 साल स्ट्रगल नहीं करता है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जो हमें इमरान खान से दो चीज़ें सीखनी चाहिए, एक कि आपको कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, और दूसरा कि आपको कैसा एक इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहिए अपने लोगों के साथ। और आप आजकल के टाइम में हम एक या दो लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, यहाँ के इमरान खान पूरे पाकिस्तान के इमरान खान दिल जीत कर बैठे हैं। तो लाइक काफी ज्यादा बड़ी बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से लोग उनके सपोर्ट में निकले थे और उनपे मौलाना जी उनके लिए रो रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस स्पीकर ने अनाउंस किया कि इमरान खान नहीं अब प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी सीट ही छोड़ दी, चेयर ही छोड़ दी, वो सबसे ज्यादा कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार सीरियसली इंसान में ऐसी कुछ तो बात है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।